गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स वेलकम टू अन अकेडमी नीट वेलकम टू आवर अमेजिंग मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे है ना आज फ्राइडे है तो आज बच्चों हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एज आई प्रॉमिस हमने रोज प्रैक्टिस करनी करनी है आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके इलेवंथ के फर्स्ट टॉपिक आप बच्चों लाइन वाइज चलेंगे जैसे डाइवर्सिटी अभी चालू की है इसके बाद टर्न आ जाएगी टिश्यूज की इसके बाद टर्न आ जाएगी सेल की सेल के बाद टर्न आ जाएगी फिजियोलॉजी की सो दिस वे वी आर गोइंग टू मूव फर्दर इन आवर स्टडीज तो टुडे इज द टर्न ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आई होप यू ऑल

से 11 बजे एवरी डे वी आर गोइंग टू मीट ऑन स्पेशल क्लासेस जिसमें हम अपना बैकलॉग को क्या कर देंगे बीट कर देंगे क्योंकि सीरीज का ही क्या नाम है बीट द बैकलॉग क्या नाम है बीट द बैकलॉग राइट सो माई नेम इस बच्चे सीट पहुंचा एन आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट और नानक अकेडमी न्यूज चैनल आप एवरी डे हमारी सारी टीम से मिलते हैं कम लाइव टू मेक श्योर दैट आपकी जो तैयारी है आपकी जो तैयारी है वो कहीं भी नहीं रुकनी चाहिए वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेपरेशन विच इंक्लूड्स योर थ्योरी सेशन विच इंक्लूड्स योर प्रैक्टिस सेशन विच इंक्लूड्स योर क्विज से इंक्लूड योर डाउट क्लियरिंग सेशन ठीक है तो जब भी आपको प्रिपरेशन करनी हो किसी भी टॉपिक की तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी बाय गोइंग इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सेशन

सीरीज आ रहा है तो जब भी आपको जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने का मन हो तो आप बच्चे जैसे प्लेटफॉर्म में एंटर करेंगे यू कैन बिकम पार्ट ऑफ एनी कोर्स कोर्स जितने भी उस वक्त नीट कैटेगरी चल रहे हैं किसी भी टीचर के आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं आपका मन है सबसे पढ़ना है सबसे पढ़ लो किसी एक से पढ़ना है एक से पढ़ो लाइव लेक्चर देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चेकआउट कर सकते हो ठीक है तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसमें आपका सिलेबस पूरा हो एंड सिलेबस एक महीने तीन महीने में तो पूरा नहीं होगा सो द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर यू इज गोइंग टू बी द वन जो है आपकी टू ईयर वाली वन ईयर और सिक्स मंथ यही सबसे बेस्ट है अगर आप ट्वेंटी को एम कर रहे हैं तो टू ईयर 2021 को एम कर रहे हैं तो वन ईयर और सिक्स मंथ ठीक है इनी में इनी में बच्चों आपको 10% परसेंट एडिशनल ऑफ मिल जाएगा इफ यू विल यूज द कोड सी मैम का नाम है आगे क्या लगा देना है लाइव यूज दिस कोड एंड गेट 10% ऑफ और यही कोर्स आपको सबसे इकोनॉमिकल भी पड़ेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्सेस ठीक है ना वन मोर टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन वी हैव दैट इज आईकॉनिक आईकॉनिक में बच्चों प्लस के साथ साथ प्लस के सारे बेनिफिट्स तो रहेंगे ही साथ ही में आपको क्या मिलता है एक पर्सनलाइज कोच चल रही है बिल्कुल चल रही है NCRT सीरीज का टाइम पांच बजे है वो बजे होगा है ना जैसे कल हुआ था सुबह का नौ बजे का टाइम किसका है ये टाइम है हमारे प्रैक्टिस का तो प्रैक्टिस चलेगी अभी सो इन दिस यू गेट अ पर्सनलाइज कोच पर्सनलाइज कोच बच्चे आपकी हेल्प करते हैं आपका स्टडी प्लानर बनाने में आपकी टेस्ट को एनालाइज करने में गाइड करने में हर छोटे से छोटा डाउट आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे

बैकलॉग ठीक है ये सीरीज यूट्यूब पर नहीं ये सीरीज कहां पर चलेगी अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस में ये स्पेशल क्लासेस भी क्या होती है बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब बच्चे हम स्टार्टिंग से करेंगे सब बच्चे जिनका भी बैकलॉग बच रहा है पुराने चैप्टर्स याद नहीं है स्पेसिफिकली ट्वेल्थ और ड्रॉपर वाले इलेवेंथ वाला भूल चुके हैं उन सब के लिए ये सीरीज रहेगी जिसमें मैं सब पुरानी चीजें आपको रिवाइज कराऊंगी एवरीथिंग ठीक है अनदर थिंग जो बच्चे पहली बार आपको डाउनलोड करेंगे या फिर पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे उनसे एक अनलॉक करने का कोड पूछेगा कि क्लास को अनलॉक करो तो अनलॉक करने का कोड सब बच्चे क्या डालेंगे सी प्लाइव ठीक है ऑल दो क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बट फिर भी बच्चों एक चाबी है जिससे ताला खुलेगा वो चाबी आप याद रखिएगा कौन सी है सी प्लाइव याद रखेंगे सब बच्चे है ना कितने रेफरल अवार्ड मिलते हैं किसको मिलते हैं आपको मिलेगा अवार्ड तो आप ये कोड लगाएंगे तो आपका बेनिफिट होगा क्लासेस को देख पाएंगे राइट right? चलो आ जाओ स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना फटाफट से करते हैं इन सम एनिमल ग्रुप्स बॉडीज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद सीरियल रेपिटेशन दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड

करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर वैसे फाइव सेकेंड्स वाला क्वेश्चन नहीं था आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज मैटाम जो कि किसमें मिलता है ए ए सी में कल बात की थी ए ए सी एनलिडा ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉडेटा जब सीरियल रेपिटेशन होती है ऑर्गन की उस, सेगमेंटेशन उस को हम क्या बोलते हैं मैटामेरिज्म है और जो सेगमेंट्स आते हैं आपको याद है ना एनालिडा अर्थ फॉर्म हमारा इस तरीके से दिखाई देगा इस पर रिंग्स होते हैं दीज रिंग्स आर एन्य नाम क्या है एनिलिडा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू

ऐसा सेल जो दूसरे सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकता है उस सेल को आप क्या बोलते हो उस सेल को आप बोलते हो टोटी पोटेंट सेल्स टोटी पोटेंट सेल्स टोटी पोटेंट मीन्स इसको हम तोड़ के देखेंगे कि क्या मतलब होता है टोटी का मतलब यहां पर है टोटल पोटेंट मतलब टोटल पोटेंशियल इसके पास टोटल पोटेंशियल है टू कन्वर्ट इन टू एनी अदर टाइप ऑफ सेल एनी अदर टाइप ऑफ सेल ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है तो कौन सा सेल है इसमें से बताओ टू का क्या आंसर दिया है बिल्कुल बिल्कुल यस सुमित एंड शानिफ, दे हैव गिवन द राइट आंसर द करेक्ट आंसर इज बच्चों इंटरस्टिशियल सेल्स और ये इंटरस्टिशियल सेल्स किसमें मिलते हैं किस फाइलम का प्रॉपर्टी है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नाइडेरिया किसमें मिलते हैं सील रेट्स में या फिर नाइडेरियंस में ऐसे इंटेस्ट्रेशन सेल पॉरीफेरा के पास भी होते दे आर कॉल्ड एज आर साइड हेयर दे आर कॉल्ड एज नाइडेरिया क्या बोल दोगे इनको नाइडेरिया चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर चेंबर्ड हार्ट किन के पास फोर चेंबर्ड हार्ट है सबके पास इनमें से बता दो कम ऑन फाइंड द राइट आंसर फाइंड द राइट आंसर टेन सेकेंड वाला ही क्वेश्चन है बच्चों ये वैसे हाँ जी कब ऑन हार्ट सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी ऑफ बर्ड्स दैट मीन एव्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स एंड फ्यू रेप्टाइल्स फ्यू रेप्टाइल्स ठीक है ये देखिए एम आ गया नो no. थ्री होता है इसमें इसमें भी मोस्ट ऑफ देम थ्री इसमें क्या होता है फोर राइट right? अगले में चलते हैं क्रोकोडाइल्स फोर बर्ड्स दे फोर मैमल्स फोर यही बनेगा बट फिर भी बबल करने से पहले हम बाकी भी चेक करेंगे क्रोकोडाइल्स फोर लिजर्ड एंड टर्टल नॉट फोर ठीक है लेजेड थ्री मैमल्स फोर बर्ड्स फोर तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है ओनली करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर बी कौन सा करेक्ट आंसर किया सबने यस द आंसर वॉज ऑप्शन नंबर बी चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट वन कौन सा क्वेश्चन है ये हमने थ्री कर लिए दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर ऑफ एनिमल्स हैज अ नॉन ग्लैंडुलर स्किन कैसी स्किन है नॉन ग्लैंडुलर स्किन कम ऑन आंसर स्नेक एंड फ्रॉग कैमेलियन एंड टर्टल फ्रॉग एंड पिजन क्रोकोडाइल एंड टाइगर आपको देखना है कि किस क्लास के पास ग्लैंड नहीं होते बहुत ही ड्राई स्किन होती है कौन सी क्लास है वो कौन सी क्लास यस द टाइम इज अप दैट इज बच्चो रेप्टीलिया ड्राई स्केली स्किन इज देअर ठीक है तो फ्रॉग के पास तो बच्चे होते हैं यह हटा दोन एंड टोटल बोथ आर रेपटाइल अगेन फ्रॉग आ गया यहां पर यहां पर टाइगर आ गया सो हेयर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी फोर्थ का क्या दिया है बच्चो फोर्थ का क्या आएगा थ्री का तो बी था थ्री का तो बी था फोर्थ का भी क्या है बी है बच्चो बी ठीक है चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर बताओ बर्ड्स एंड मैमल्स द लास्ट टू क्लासेस ऑफ टेट्रापोडा इनका कौन सा कॉमन फीचर है बताओ बर्ड्स एंड मैमल दे शेयर वन ऑफ द कॉमन फीचर हां जी बताइए बताइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे चल रहे हैं कौन सा कॉमन फीचर शेयर करते हैं पिगमेंटेड स्किन न्यूमेटिक बोन्स वीवी पेरी और वार्म ब्लडेडनेस ऐसे मत लिखो ए बी सी डी रैंडम ट्राई टू राइट फाइव ए फाइव बी फाइव सी फाइव डी इस तरीके से मैंशन कीजिए इस तरीके से आप मैंशन करिए ठीक है फाइव का क्या आंसर दिया है यस बच्चों पिगमेंटेड स्किन नो ये दोनों में नहीं है न्यूमेटिक बोन्स बच्चे हमारे में तो होती है मैमल्स में बट न्यूमेटिक बोन्स बोन्स किसमें होती है बर्ड्स में हमारे में क्या होती है पूरी सॉलिड बोन्स होती है वीवी पेरी मैमल्स का फीचर है बर्ड्स का फीचर नहीं है बट ब्लडेडनेस वार्म ब्लडेडनेस होमियोथर्म्स दोनों है बर्ड्स भी मैमल्स भी क्योंकि हार्ट है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड सेपरेट हो रहा है दैट इज बोथ ऑफ देम दे मेंटेन अ बॉडी इनरेस्पेक्टिव की बाहर सर्दी है गर्मी है क्या चल रहा है बॉडी के अंदर अपना मामला बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा टेम्परेचर के टर्म्स में सो हेयर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक डॉक्टर फरहाद हाथ आगे आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स दे बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनमिक ग्रुप इनमें से कौन एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं यहाँ पर ग्रुप का मतलब है आइदर क्लास और द फाइलम ठीक है तो बताइए कटल फिश जेली फिश सिल्वर फिश डॉग फिश स्टार फिश देख के बताओ 15 सेकेंड ले लो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सिंगल टेक्सोनमिक ग्रोप सिंगल टेक्सोनिक ग्रोप सिक्स का आंसर का आंसर बच्चों ओके क्या आंसर दे रहे हैं सिक्स का हाँ एक बच्चे ने ठीक दे भी दिया है टाइम जो है क्योंकि वो अप हो चुका है आपको बता दें देखो जेलीफिश हमारी क्या है नाइडेरिया सिल्वर फिश क्या है ऑर्थ्रोपोडा डॉग फिश आ जाती है कॉर्डेट्स में स्टार फिश क्या है काइनोडम तो ये तो बिल्कुल सेम को नहीं बिलोंग करते हैं बैट पिजन बटरफ्लाई ऑर्थ्रोपोडा, एस एंड मैमल ठीक है िल्क वॉर्म टेप वॉर्म अर्थवॉर्म एनिलेडा प्लेटी हेलमेंटीज एंड ऑर्थ्रोपोडा नहीं बिलोंग करते हैं बट मंकीस चिमपैनजी एंड मैन दे ऑल बिलोंग टू क्या है ये सब मैम प्राइमेट्स है ना सो हे आर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी ठीक है सबने ठीक आंसर दिया है वेरी नाइस करते जा रहे हैं करते जाएंगे रोज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आने वाले टेस्ट में बच्चों आने वाले टेस्ट में रिजल्ट जो निकलेगा वो यही यूट्यूब से निकलेगा आप खुद देखेंगे ठीक है सेवेंथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मिजॉग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया एस्टेरियाज एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री फेशियोला इज अ अडोसिलोमेंट एंड टीनिया ट्रिप्लो इसमें करेक्ट की जगह आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट बताओ इनकरेक्ट क्योंकि आधे ज्यादा तो करेक्ट ही है एक ही इनकरेक्ट है हाँ जी मैंने कर दिया है हल्का सा चेंज क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट क्योंकि एक ही इनकरेक्ट है बाकी सारी मैम ने पढ़ ली है क्या है ये करेक्ट है इनकरेक्ट बच्चों ध्यान से मैंने क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट बतानी है करेक्ट इसमें से एक से ज्यादा है एक से ज्यादा करेक्ट है ठीक है दो दो कम ऑन आंसर दीजिए दीजिए आंसर टाइम इज अप हां जी मिजॉग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन देर दे आर डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो के बीच में एक जेली लाइक लेयर है विच इज कॉल्ड एज मिजॉग्लिया इट इज ट्रू स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि Echinoderms के जो हैं, उनकी सिमेट्री प्रिमेटिव है एज कंपेयर टू द दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री ठीक है टीनिया इज्लोब्लास्टिक एनिमल टीनियाइज प्लेटी हेलमेंट इट इज्लास्टिक एनिमल फेशियोला विच इज ऑल्सो प्लेटी हेलमेंट इज अ लोमेट बोल रहे हैं बच्चों सूडोसिलोमिट प्लाटी नहीं होते ये तो ए सिलोमेट होते हैं क्या होते हैं ए सिलोमेट होते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इन करेक्ट निकालना था करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे आना है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन करेक्ट बतानी है इन कॉक्रोच एंड प्रॉन एक्सक्रीशन अकर्स मालपेज ट्रिब्यूल्स तीनों फोराम लोकोमोशन इज मीडियटेड बाई कूम प्लेट फेसियोला फ्लेम सेल इन एक्सक्रीशन अर्थ वॉर्म आर हर मेफ्रोडाइट येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमंगे एट्थ का एट्थ का आंसर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट पूछा आपसे कौन सा इनकरेक्ट है ओके ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंगेट टाइम हो चुका है बच्चे अब नीचे से ऊपर पढ़ते हैं अर्थ फॉर्म्स आर हर मेफ्रोडाइट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिल्कुल ठीक क्योंकि इनका मेच्योरिटी टाइम क्या होता है डिफरेंट होता है इन फेशियोला दैट मीनस प्लेटी हेलमिनथीस फ्लेम सेल टेक्स पार्ट इन एक्सक्रीशन ट्रू इन टीनोफोरा टीनोफोरा

करेक्ट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए ए वुड बी द राइट आंसर चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवी पेरस कौन सा पेरस है प्लेटी हेलमिंथी इज बैट एलिफेंट और वेल इजी क्वेश्चन पेरस कौन है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए ओवीपेरस हाँ जी ओ बी पेरस कौन सा है नाइन्थ का नाइन ए नाइन बी नाइन सी और नाइन डी बहुत ही सिंपल सा आंसर है दे ऑल आर मैमल्स एंड वन ऑफ दैट इज ओवी पेरस मैमल ओवी पेरस दैट इज डक बिल्ड प्लाटिपर्स ठीक है और निथो रिंकस एंड एकेडना अगर दिया होता था तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा नाइन का एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए सबने ये दिया था लास्ट में मार्क्स पूछूंगी मैं कितने बन रहे हैं ठीक है टेंथ क्वेश्चन कौन सा कर लिया हमने एक मिनट यस yes. टेंथ पे मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेंथ फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक विच इज नॉट कौन पॉइंजनस स्नेक नहीं है कोबरा वाइपर पाइथन और क्रेट हांजी बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉटनस स्नेकट मीन यू है नेम ऑफ द नॉन पॉइजनस स्नेक बता दो बता दोब्रा वाइपर पाइथन और क्रेट टेंथ का बिल्कुल ठीक आंसर कौन दे रहा है भावना इज गिविंग द राइट आंसर Absolutely. that इज बच्चों नॉन पॉइजनस स्नेक का example रहेगा आपका पाइथन क्या example रहेगा पाइथन अब अगर पाइथन नॉन पॉइजनस है तो कैसे मारता है कैसे मारता है अपने अपने दुश्मन को कैसे करता है द पाइथन and crushes देम और क्रश करने से क्या करता है उनकी डेथ करता है एंड देन उनको क्या कर लेता है सॉलो करता है सो द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पाइथन इज टू अराउंड ऑर्गेनिज्म क्रश देम यू नो अनकॉन्शियस उनकी क्रशिंग से डेथ करके फिर क्या करता है उनको स्वॉलो करता है सो so, टेंथ का हो गया इलेवेंथ okay, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है मैच दर्गेनाइजेशन मैच करना है बच्चों डिविजन ऑफ लेबर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है और एनिमल के साथ क्या करना है मैच करना है चलो दिखा दो मैच करके घड़ी जी चलती जा रही है ऑर्गन लेवल सेल्यूलर लेवल टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल टेक योर टाइम एंड मैच टेम टेक योर टाइम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आए देखो एनिमल किंगडम के तीन हिस्से हैं वन इज बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन अदर इज नॉन कॉर्डेट्स थर्ड वन इज कॉर्डेट्स तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा इलेवंथ का इलेवंथ डॉट लगा के बताएंगे इलेवन डॉट ए बी सी डी हाँ जी टाइम तो हो चुका है आप क्या आंसर दिया आपने इलेवन का इलेवन का आंसर दिया ओके okay. मैच कर लेते हैं यहां पर सबसे पहला है बच्चों फेरिटीमा दैट इज अर्थवॉर्म अर्थवॉर्म को मैच कर देंगे हम किसके साथ अर्थवॉर्म को मैच एक है अर्थवॉर्म प्लेटी हेलम पॉरीफेरा एंड सीलेंटरेटा सबसे पहले तो पॉरीफेरा आ जाएगा सेल्युलर लेवल ठीक है इसको मैच कर दो सेल्युलर लेवल से और बिली आ जाएगा टिश्यू लेवल इसको मैच कर देते हैं टिश्यू लेवल से ऐसे मैच कर देते हैं देन आता है ऑर्गन लेवल फेशियोला के साथ एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आपके अर्थवर्म के साथ दैट इज फेरिटीमा पॉजा तो आना चाहिए वन के सामने डी राइट टू के सामने ए ओके थ्री के सामने थ्री के बच्चों सामने बी यस yes, एंड फोर के सामने सी ठीक मैच किया ना मैम ने यस सी आएगा आंसर बिल्कुल ठीक यस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ट्वेल्थ बच्चों बॉडी कैविटीज इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल बिल्कुल ठीक इन समीमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई निम

लाइनिंग ऑफ मीजोडम इज नॉट देयर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है बट देयर इज कैटी इज इट एट सूटोसिलोमेट सिलोमेट और हिमोसिलोमेट बता दो ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी देखो ए सिलोमेट के पास तो कैविटी नहीं है खाली जगह ही नहीं है तो ये नहीं हो सकता सिलोमेट के पास कैविटी है बट इट इज नॉट लाइन बाय

बट मीजोडोमल सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द पाउच फॉर्म ये इस तरीके से पाउच बना रहे हैं क्या बना रहे हैं पाउच बना रहे हैं तो कैविटी तो है देख रहे हो खाली जगह है बट नॉट लाइंड बाय मीजोडम ऑन ऑल द साइड्स व्हिच मेक्स इट सूडोसिलोमोड एक ही इफाइलम का एग्जांपल आता है इसमें दैट इज नैट हेलमिंथीज सेल मिन्थीज ठीक है चलिए थर्टींथ क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से मैच द फॉलोइंग खेलते हैं मैच द फॉलोइंग देखो इस बारी के पेपर में ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर में दिस पैटर्न वॉज द मोस्ट फेवरेट मोस्ट फेवरेट पैटर्न ऑफ एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे आर मैच द फॉलोइंग क्योंकि मैच द फॉलोइंग में एक फायदा होता है आप ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में डाल सकते हो अब देख रहे हो सारे फाइलम एक ही साथ ले लिए सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर आ गया तो इट काइंड ऑफ चेक्स द लर्नर कंप्लीटली बता दीजिए आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 13th। 13th को मैच करना है आपने क्या करना है थर्टींथ क्वेश्चन को मैच करना है प्रॉपर्टी <laughs> है पॉरिफेरा सेखेलमिंथिजानेलिडा ऑर्गन सिस्टम ओके ओके यहाँ ऑर्गन सिस्टम नहीं आएगा लेट मी जस्ट सीट लेट मी बच्चो जस्ट सीट यस यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी इसकी जगह मैं डाल दूंगी ऑर्थ्रोपोडा क्या डाल देंगे बच्चों यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा ओके okay. जी अब मैच करो अब इजी हो जाएगा अब इजी हो जाएगा सिंपल है पॉरीफेरा में कौन सा सिस्टम होता है पॉरीफेरा में कौन सा सिस्टम होता है दैट इज कैनोल सिस्टम पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नोल सिस्टम मैस्क टाइप ल्यूकॉन टाइप ये सब क्या है केनॉल सिस्टम है जो पॉरीफे में होते हैंजर फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मस्क्यूलर फेरिंग्स मस्क्यूलर फेरिंग्स ठीक है एनिलिटा मेजर फीचर इज एनिलस रिंग्स मेटामेरिजम मेटाम प्रेजेंट है ठीक है ऑर्थ्रोपोडा मेन फीचर इज गोइंग टू बी जॉइंटेड अपेंडेजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस और मतलब जॉइंटेड पोडा मतलब अपेंडेजेस इकाइनोडर्म्स आपकी स्टारफिश मेजर फीचर इज गोइंग टू बी वाटर वॉस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम ठीक है तो अब मैच कर दो मैच कर दो ए के सामने आना चाहिए वन अच्छा ठीक है दोनों में बी के सामने आना चाहिए थ्री ओके सी के सामने आना चाहिए फाइव यस yes. डी के सामने आना चाहिए फोर एंड ई के सामने आना चाहिए टू करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी किसने दिया सी किसने दिया है सी नकुल विद राइट आंसर नकुल एंड नाइट समन विद द नेम नाइट विद द राइट आंसर ठीक है चलो थर्टीन से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन गिवन बिलो आर थ्री स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस एलवेंथीस ठीक है असैकंथीज के लिए आपको तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हज बोथ द करेक्ट दोनों ठीक किस्में हैं ऑप्शन में से दोनों ठीक किस्में दे आर वन बाय वन रीड करते हैं स्टेटमेंट को फर्स्ट इज दे आर बायलैट्री सिमेट्रिक ट्रू एंड दे आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक ट्रू ठीक है पहला है बिल्कुल सही सत्य वचन कहे हैं इन्होंने दूसरे में क्या वचन दे रहे हैं दे आर डायोशियस दे आर डायोशियस यस डायोशियस मतलब बॉडी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन और अस्कैरिस में हमने देखा ये मेल स्कैरिस अलग होता है फीमेल अस्कैरिस अलग होता है तो ये भी बिल्कुल क्या है सत्य वचन ऑल आर ऑल आर बोल रहे हैं ऑल आर एनिमल और प्लांट पैरासाइट सारे पैरासाइट नहीं होते फॉल्स जो राउंड वर्म है इनमें फ्री लिविंग भी होता है एग्जाम्पल रेबडिटिसम जो क्या है free है so, all are not so, आएगी और जो कि किस में दी हुई है थ्री वाला फॉल्स हो, हो, हो गया ये भी फॉल्स हो गया ये भी फॉल्स हो गया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट पैटर्न फिर से आ गया मैच आपको हैबिट बनानी है प्रॉपरली करने की इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ सेल्स हैं कुछ फीचर्स हैं और सामने आपके सारे फाइलम्स लिख दिए कौन सा फीचर किसका है सब कुछ एनसीआरटी में से है सब कुछ बच्चों एन सी आर टी में से है बता दो मैच कर दो कमन गाइज मैच इट एनोसाइट नाइडोब्लास्ट फ्रेम सेल ने कुट्स देखते हैं किसको आता है देखते हैं बच्चों किसको आता है हाँ जी मैच करिए मैच करिए मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूं लेट मी जस्ट अरेंज अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर यू कर लिया मैच

मैच कर देते हैं राइट फीचर ऑफ तो क्या निकाला है बच्चों कैसे मैच किया है D बोल रहे हो, देख लेते हैं, A का क्या है? थ्री ओके एक ही है वैसे तो ठीक आंसर बी का क्या है बी का क्या है फोर सी का क्या है वन डी का क्या है फाइव डी का यस फाइव एंड ई का क्या है ई e का क्या है टू करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी डी इज द राइट आंसर एप्सल्यूटली एप्सल्यूटली बच्चों चलो अब आ जाओ सब बच्चे इस जगह पर कहाँ पर इस जगह पर विच इज अन अकेडमी का लर्निंग ऐप जहां पर हम इसी चैप्टर की इसी यूनिट की क्विज करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चन आप कहां पर सॉल्व करेंगे ऑन दिस ऐप आवर कोड फॉर टुडे इज 993371 क्या कोड है हमारा आज का नाइनटी क्या करना है मैं रूल्स बता देती हूँ आप सबको बिल्कुल ठीक शाह नेब शेब अजीत एंड सुमित विद द राइट आंसर सब ने मुझे राइट right आंसर दिया था अब आपको क्या करना है सब बच्चे जो यहाँ पर प्रेजेंट थे जो यहां पर आंसर दे रहे थे क्या करना है फटाफट पहुंच जाओ अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर कहा पहुंचेंगे प्ले स्टोर में जाना है डाउनलोड दिस ऐप डाउनलोड करने के बाद कहा जाएंगे ऑप्शन में, में क्विज को ज्वाइन कर लेना है कोड यूज करके कोड यूज करके बच्चों आज का हमारा कोड है क्या कोड है नाइनटी नाइन थर्टी थ्री सेवेंटी वन नाइन थर्टी थ्री 71 दिस इज आवर टूडे क्विज कोड ठीक है एंड आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम अकेडमी डॉट कॉम या एप डाउनलोड कर रहे हैं अनलॉक कैसे करें क्विज को अनलॉक करने का कोड रहेगा सी पाए ठीक है इट इज अ फ्री क्विज ऑल दो इट इज अ फ्री क्विज बट स्टिल इफ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर तो आपके सामने एक कोड पूछेंगे कि अनलॉक करो भाई ताला खोलो इसका तो ताला खोलने की चाबी क्या है चाबी क्या है आपका This code, that is C right? और क्विज में लेने की चाबी क्या है ऑल द all the, all the to टू the द क्विज दे आर ऑन योर स्क्रीन फर्स्ट यू हैव टू गो टू Play स्टोर बिकॉज ये क्विज सिर्फ आपके फोन uh, में चलेगी लैपटॉप में नहीं चलेगी बच्चों वेब वर्जन में ये क्विज काम नहीं करती है सिर्फ कहाँ काम करेगी आपके फोन में काम करेगी फर्स्ट टाइम जो आपको डाउनलोड कर रहे हैं सिर्फ उस उनसे अनलॉक करने का कोड पूछा जाएगा क्या कोड डाल देना आप सीप लाइव डाल देना जिसमें जिसमें क्या बेनिफिट होने वाला है आप सारी फ्री क्लासेस अटेंड कर पाओगे सारी लाइव क्विजेस दे पाओगे बस एक ही बार ये कोड डालना होता है उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स एक्सेसिबल टू यू ठीक है सो आवर कोड इज नाइनटी नाइन थर्टी थ्री सेवेंटी वन कहां डालना है ये कोड प्ले स्टोर में जाना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप सर्च करना है डाउनलोड करने के बाद कहा जाएंगे टेस्ट में टेस्ट में जाने के बाद कहा क्लिक करेंगे ज्वाइन क्विज पे क्लिक करेंगे कहां क्लिक करेंगे ज्वाइन क्विज पे ठीक है ज्वाइन क्विज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टू एंटर द कोड एंड कोड आप डाल दीजिएगा दैट इज नाइन्टी नाइन थर्टी थ्री एंड सेवेंटी टूडेज कोड राइट बच्चों की मैंने आज प्रैक्टिस कराई है उसी चैप्टर की क्विज होगी कल आई एम प्लानिंग की क्विज करते हैं एनिमल टिश्यूज की क्या बोलते हो बच्चों किसकी क्विज कर लें एनिमल टिश्यूज की ओके okay? और आज आज बच्चों इस क्लास के तुरंत बाद कितने बजे ग्यारह बजे कितने बजे रुक जाइए कहाँ गया हमारा वो हाँ जी ये तो दिखना ही चाहिए कितने बजे ग्यारह बजे जस्ट अ सेकेंड ओके यस टुडे एट इलेवन ए एम इलेवन ए एम बच्चों हम बैकलॉग की पिटाई करने वाले हैं बैकलॉग को बीट करेंगे बैकलॉग सीरीज इज गोइंग टू तो स्टार्ट क्लियर योर बैकलॉग विद मी ऑन स्पेशल क्लासेस किस में स्पेशल क्लास में जो कि कहां पर होती है अन अकेडमी डॉट कॉम पर है अन अकेडमी की लर्निंग एप पर भी ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम अन अकेडमी खोलोगे तो आपसे फिर से अनलॉक करने का कोड पूछेगा आप कोड डाल दीजिएगा दैट इज सी प्लाइव ठीक है टू अनलॉक दी स्पेशल क्लासेज एवरी डे एट एलेवन ए एम एवरी डे बच्चो एट इलेवन ए एम हांजी आ गए सब बच्चे कर दें चालू कर दें बच्चों चलो एवरी वन एवरी वन यस पूरा करेंगे पूरा क्लास इलेवेंथ करेंगे एवरी थिंग क्लास इलेवंथ का स्टार्टिंग पोर्शन प्लस क्लास ट्वेल्थ का भी स्टार्टिंग पोर्शन करेंगे बट पहले क्लास इलेवंथ करेंगे पहले क्लास इलेवंथ करेंगे पूरा करेंगे और ठीक है एवरी डे एट इलेवन एम तो अपने दोस्तों को भी बता देना कि ये सीरीज चालू हो रही है बिल्कुल फ्री क्लासेज है फ्री क्लासेस है लेकिन अनलॉक करने के लिए कोड क्या डालना है आपको सी प्लाइव डालना है आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी क्या कोड डालेंगे सी प्लाइव जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा टेन परसेंट ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट ओके बच्चों तो आपकी क्विज को कर देते हैं स्टार्ट सबने ज्वाइन कर लिया है सब ने ज्वाइन कर लिया है कर दे स्टार्ट चलिए एवरी वन हैज ज्वाइंट लास्ट में सुन लो क्या स्टेप्स हैं प्ले स्टोर में जाना है क्योंकि ये क्विज सिर्फ ऐप पर चलती है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद कहाँ जाना है टेस्ट में बस ये एक मेन ऑप्शन है होम पेज पे नीचे टेस्ट है टेस्ट में जाने के बाद देयर इज ऑप्शन ऑफ लाइव क्विज़। लाइव क्विज में जाने के बाद देयर इज ऑप्शन ऑफ ज्वाइन क्विज़। किसका ऑप्शन है ज्वाइन का और फिर आपसे कोड पूछेंगे डाल देना नाइनटी नाइन थर्टी थ्री एंड सेवेंटी वन ठीक है चलो आई विल सी यू नाउ इन माई स्पेशल क्लास एट इलेवन ए एम तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके क्वेश्चन पूरी करके आ जाइएगा वहाँ पर वी विल सी द क्वेश्चन वी विल सी द थ्योरी ऑफ क्लास इलेवेंथ इन आवर बैकलॉग सीरीज फर्स्ट और उसके बाद मिलेंगे शाम को पांच बजे इन आवर एनसीआरटी सीरीज जिसमें हमने आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कर देना है खत्म कर देना है दब टेकरी वन टेक केयर बाय बाय